देखो पेट्रोल में वो 180। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. Assalamualaikum everyone, welcome back to the new vlog. आज मैं काफी लेट उठा हूँ. लेट उठने की वजह ये है कि सुबह लेट सोया था. आजकल लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, आप सबको शायद अंदाजा हो गया हो, क्योंकि मेरे दोस्तों से भी बात हो रही थी, उनके यहाँ भी लाइट गई हुई थी. आज का व्लॉग जो है वो मैंने कल से सोचा था कि मैं उठते साथ ही बनाऊंगा, अपनी लाइफ रूटीन के बारे में आपको बताऊंगा, मैं नाश्ता वाश्ता करूंगा वो भी दिखाऊंगा, जो कि मैं काफी चीजें स्किप कर देता हूँ. लाइट का वेट कर रहा हूँ मैं और मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ. मैंने कहा कि लाइट आएगी तो नाश्ता करूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा. 15-20 मिनट रह गए हैं लाइट आने में. नाश्ते से पहले जो है वो तरबूज खाने का अपना ही मजा होता है. हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल. आपको लग रहा होगा मैं नाश्ते में खा रहा हूँ, नाश्ते से पहले खा रहा हूँ, नाश्ते के बाद मैं करूंगा, नजर आए. फिलहाल खाते हैं ये. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. तो यार मैंने अभी तरबूज खा लिया है, नाश्ते का वेट कर रहा था. अम्मी कह रही थी कि नाश्ता बना के दे देती हूँ, मुझे भूख लग रही थी. और आपका भाई जो है वो इधर बैठ के ना YouTube देखता रहता है, मतलब YouTube पे कोई भी चीज सीखने लायक हो, मतलब कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें बताया होता है कि एडिटिंग में ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज ऐड कर सकते हैं, ये चीज नहीं ऐड कर सकते, तो वो देखता रहता हूँ हैंड फ्री लगा के और टाइम पास हो जाता है. और यार ये वाहिद कमरा है कि हवा की डायरेक्शन इस साइड पे आती है बस, तो हवा आती है और ये आप खिड़की देख सकते हैं, इस खिड़की से हवा आती है. लाइट गई तो गर्मी का नहीं होता इतना एहसास. कल जो है वो मंडे है और यूनिवर्सिटी जाना होगा मैंने, और कल हमारी प्रेजेंटेशन है एक और. अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30. हवा तो चल रही है बाहर लेकिन धूप भी कुछ ज्यादा है. वो सामने आप देख सकते हैं वो जो दरख्त है ना दो, उनको देख के मैंने आइडिया लगाया है कि यहाँ पे हवा चलना स्टार्ट हो रही है. और मोबाइल की बैटरी काफी लो है तो पहले मोबाइल चार्ज पे लगा देता हूँ, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन है उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ. 1 घंटे बाद तो यार अभी मैं थोड़ा बहुत पढ़ चुका हूँ. मेरी बीच में उस्मान से भी बात हुई थी, मैंने कहा कि नमाज पढ़ने आऊंगा तो मुलाकात करेंगे, गपशप लगाएंगे. मौसम आपके सामने देख सकते हैं, मौसम जितना क्लास का हो गया. जब आपके भाई ने बोला ना कि अभी धूप है लेकिन हवा स्टार्ट हो रही है, उसके 5 मिनट बाद मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था अपना, पढ़ने लग गया था. 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा मौसम चेंज हुआ. आपको मैं जरा बादल दिखाता हूँ, बोल के बादल नहीं, आपको बी रोल्स सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ. बस यार अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once. Yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing. तो यार अभी नमाज में कोई 7-8 मिनट रहते हैं, तो मैंने कहा कि वजू मैंने कर लिया घर में ही, अभी चलते हैं मस्जिद की तरफ. उस्मान से मेरी बात हुई थी तकरीबन कोई 5-10 मिनट पहले ही हुई थी, तो वो कह रहा था कि वो नहा रहा है, तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, अगर तो तुम आ सके तो आ जाना, नहीं तो नमाज के बाद मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, फिर गपशप लगाएंगे. तो कहते चलो ओके. तो यार अभी एक बंदा बाइक पे जा रहा था और उसके साथ एक बच्चा भी था और वो फोन में बात कर रहा था, आगे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था. स्टैंड मैंने जब देखा उस बाइक का तो स्टैंड खुला हुआ था और मैंने उनको बता दिया. इस बात का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों के एक कहने पे किसी की जान बच सकती है. स्टैंड खुला हुआ है. तो यार अभी तो मैं निकल चुका हूँ नमाज पढ़ के, और उस्मान से मेरी जब बात हुई थी तो उसने बस यही कहा था कि मैं इधर आ जाना, तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं उस्मान की तरफ. होप सो नहा गया होगा वो, नहीं तो 2-3-4-5 मिनट वेट करना पड़ेगा उसका, वो भी देखते हैं अभी क्या सीन होता है. फिलहाल यार जैसे ये अभी बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट यहाँ पे, इनको देख के याद आ जाता है. इससे पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ पे नॉर्मली गली होती थी और घर भी काफी ज्यादा बने हुए थे और दोस्त वगैरह भी थे. ओ शिट बारिश, तो ये बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं. दोस्त वगैरह भी थे और हम भी खेला करते थे तो उसकी याद आ गई थी. लेकिन यार जो हवा चल रही है ना अभी मस्त, एक क्लास सही चस्कर आ रही है. आसमान आप देख सकते हैं, मौसम फिट हो जाएगा कल यूनिवर्सिटी जाते हुए जो है ना, अल्लाह करे धूप ना हो ज्यादा, फिर मजा आएगा. और यार उस्मान के घर के सामने मैं अभी मौजूद हूँ. उस्मान को मैंने कॉल की थी तो उस्मान कहता है कि चल मैं आ रहा हूँ. मैंने कहा तेरे घर के बाहर ही हूँ, हल्की बारिश हुई जल्दी आ जाए पूछ जाऊंगा मैं. आहा कहते चल मैं आ रहा हूँ. इतनी हो रही बारिश बाहर, आ ना कहाँ हो रही है बारिश. कैसे हो?
अभी शहरी की गाड़ी पार्क कर दी है ताकि उस्मान के घर जो है वो उसके अबू अगर आए तो गाड़ी अंदर पार्क आराम से कर सके। उस्मान नहीं है, नहीं है। और उस्मान नहा रहा था तो हमने कहा कि हम जरा चक्कर मार के आ जाते हैं क्योंकि ना मौसम बहुत अच्छा है। तो यार मौसम अभी हमने एंजॉय जा रहा होता है कॉल आई हुई तुझे कॉल मुझे नहीं आई उस्मान को आई जहर भाई। तो यार हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया, अभी मौसम जो है वो बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ था, अभी भी है लेकिन हवा कम हो गई है और आप देख सकते हैं अंधेरा थोड़ा सा हो ही जा रहा है और अंधेरे में आपको पता है ब्लॉगिंग जो है मेरे मोबाइल से नहीं होती, फ्लैश लाइट ऑन करके फिर फायदा नहीं होता और दूसरा भी घर ही जा रहे हैं। तो यार इस वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भाई को साथ साथ फॉलो भी कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। Not okay, all I want, and I pray.